गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 3 और हम जा रहे हैं चितकुल, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। उसके बाद तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। टोटल 350 किलोमीटर और 10 से 12 घंटे लग जाएंगे हमें पहुंचने में। मैं इतनी जल्दी इसलिए निकल रहा हूँ सुबह क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। सैटरडे और संडे ही है मेरे पास घूमने के लिए और मंडे मुझे सुबह ऑफिस ज्वाइन करना है। चितकुल एज इन प्लान में नहीं था मेरे, लेकिन बस अचानक ही प्लान बन गया। वैसे तो मैं इस बार स्पीति वैली करने का सोच रहा था, लेकिन अभी पता नहीं छुट्टियां मिले ना मिले, इसलिए मैंने सोचा 2 छुट्टियां हैं, चितकुल ही देखा हूँ जाके। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम शिमला भी नहीं पहुँचे हैं। लगे आएंगे 15-20 मिनट शिमला पहुँचने में यहाँ से मुझे। और आई नो कि मेरा ये डिसीज़न ठीक नहीं है 2 दिन में चितकुल करने का चंडीगढ़ से, लेकिन क्या करें भाई, नौकरी वाले बंदे हैं, करना पड़ता है एडजस्ट नौकरी और घूमने को। घूमे बिना रहा नहीं जाता और नौकरी हम छोड़ नहीं सकते। हम पहुंच चुके हैं शिमला। बारिश बहुत तेज़ है, टाइम हो रहा है सुबह के 6-3 घंटे लगे मुझे यहाँ तक आने में। बाकी बारिश की वजह से थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक होती है बारिश। ये है डली टनल जो शिमला के बाद आती है, कसौली से पहले आती है, और ये अपने इस साइड की सबसे पहले बनने वाली टनल है जो कि 1950 में बनी थी। चितकुल हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सर्दियों में वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, तो मतलब आप पूरा साल कभी भी चितकुल जा सकते हो, लेकिन बस थोड़ा ठंड प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए। अभी हैं हम फागू में। मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, मैं हर सैटरडे संडे घूमता ही रहता हूँ ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं। और मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मुझे अपने घूमने की वीडियोज़ बना के यूट्यूब पर डालनी चाहिए कि बाकियों को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, जगह का पता लग जाए कैसा रास्ता है। इसलिए ये देखो साइड पर कितना अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो जाता है ऐसे पहाड़ों को देख के। अभी हम पहुंच चुके हैं थ्योग में, और अगर आपका मन है इधर घूमने आने का, और आई सजेस्ट कि आप कभी भी मेरी तरह 2 दिन के प्लान मत बनाना, थोड़ा लंबा बनाना। और थ्योग या 20 किलोमीटर शिलारू है, यहाँ आप स्टे कर सकते हो, दोनों काफ़ी पीसफुल जगह हैं। थ्योग क्रॉस करते ही मुझे साइड पे बादल दिखाई दिए, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू दे देता हूँ कि थ्योग आपको मतलब थ्योग में रहने से आपको क्या नज़ारा दिखाई देगा। लेट्स मूव इन कार नाउ। झुमकी प्लीज़ साइड हो जाओ प्लीज़। मेरे पास 2 डॉग्स हैं जो हमेशा ही मेरे साथ ट्रैवल करते हैं, झुमकी एंड वेलवेट। वेलवेट तो मैंने अभी 1 महीना पहले अडॉप्ट किया, लेकिन झुमकी मैंने बचपन से ही पाला, वो 1.5 साल की है और वेलवेट 2 साल का है। बट आई यूज़ टू मैनेज विद देम ऑन ट्रिप। वेलवेट का तो ये पहला लॉन्ग ट्रिप है, लेकिन झुमकी बहुत जगह घूम चुकी है हमारे साथ, मसूरी, रोहतांग, शिमला, और उसने मेरे साथ ट्रेन ट्रैक भी किया था। तो शी ऑलवेज़ मतलब हमारे साथ ही रहती है हमेशा, हम जहाँ भी जाएँ। वैसे तो ऐसी रोड पे आपको बाइक पे ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन गाड़ी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है आपको, बट बाइक मज़ेदार बाइक ही रहता है हमेशा। आज तो लगता है मेरे को सारा हमारा रास्ता बारिश में ही निकल जाएगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही अभी तक। अभी हम पहुंच गए हैं शिलारू, और चितकुल यहाँ से है अराउंड 200 किलोमीटर, लगभग 7 से 8 घंटे या मे बी 9 घंटे लग जाएंगे, बाकी डिपेंड करता है बारिश है नहीं है रास्ते में। 2 ट्रिप ऐसे हैं जो मेरे को लगता है हर बंदे को करने चाहिए, एक स्पीति वैली का और ये लेह लद्दाख का। दोनों ही जगह जन्नत से कम नहीं है, आप गूगल पे देख सकते हैं फ़ोटोज़ या वीडियोस बहुत सारी मिलेंगी। अभी हम पहुंच गए हैं नारकंडा, और यहाँ से मुझे कार का पेट्रोल रिफिल करवाना है। एक बार टैंक फुल करवा लूँगा तो मेरा यहाँ तक वापस भी हो जाएगा नारकंडा तक, तो दोबारा यहीं से आके ही डलवा लेंगे तेल। अब जाके बारिश थोड़ी कम हुई है और ड्राइविंग का अब मज़ा आएगा करने में, और क्योंकि रोड साफ़ है, रश बिल्कुल नहीं है, बादल हैं हल्के हल्के, लेकिन पहाड़ बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं, मज़ा आ रहा है देख के साइड्स पे। और वैसे भी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड है चंडीगढ़ से, तो ठीक है चंडीगढ़ भी अच्छा मौसम होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ठंडा मौसम है। अब हम चल रहे हैं सतलुज दरिया के बिल्कुल किनारे पर, हमारी लेफ़्ट साइड पर सतलुज दरिया है। 1 मिनट रुको, आपको दिखाता हूँ। ये है सतलुज दरिया, और पानी का बहाव देखो कितना ज़्यादा तेज़ है यहाँ पर। हम पहुंच चुके हैं रामपुर। अभी तक हमने 200 किलोमीटर कवर कर लिया, और 150 किलोमीटर भी रहता है हमारा, और टाइम हो रहा है 12:45, तो लगभग 4 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे। 9 घंटे होंगे मुझे ड्राइविंग करते हुए, 3 बजे से लेके 12 बजे तक, और 3-4 घंटे और ड्राइव करना है। हम पहुंच चुके हैं ज्योरी, और यहाँ के परौंठे बहुत फेमस हैं, मेरे को मेरे एक सीनियर ने बताया था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है रुकने का भी यहाँ पर। कम टाइम में बड़े ट्रिप बनाने का यही नुकसान होता है कि आप हर जगह एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अब यहाँ मेरा बहुत मन था परांठा खाने का, लेकिन मैं नहीं खा पाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। और अगर आप में से किसी ने कभी यहाँ पे परांठा खाया, तो मेरे को ज़रूर बताना कि वाकई यहाँ के परांठे टेस्टी होते हैं क्या।
चंडीगढ़ से लेके सोलन तक रोड में थोड़ी सी दिक्कत थी, रोड थोड़ी ख़राब थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसको वन वे कर रहे हैं, लेकिन सोलन के बाद से लेके अब तक मेरे को कहीं भी कोई ख़राब पैच नहीं मिला, बड़ी स्मूथ रोड है सारी की सारी। रोड अच्छी हो तो आपको थकावट नहीं होती, ना ही मेंटली ना ही फिज़िकली, आप आराम से और इन्जॉय करके जाते हो। रोड ख़राब हो तो बंदा बहुत थक जाता है, फिर चाहे गाड़ी हो या बाइक हो। सामने मुझे एक छोटा सा झरना नज़र आ रहा है, अरे यार नहीं छोटा नहीं, ये तो बड़ा है, अरे यार ये तो बहुत बड़ा है। इस पहाड़ को आज तक सिर्फ फ़ोटोज़ में ही देखा था मैंने, आज मौका मिला है इसके रूबरू होने का। जब भी स्पीति वैली सर्च करता हूँ गूगल पे तो सबसे पहले इसी की फ़ोटो नज़र आती है वहाँ पे, ये पहाड़ की कटिंग और बीच में रोड निकल रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। यही खूबसूरती देखने हम हिमाचल की बहुत दूर से आते हैं, आप लोग भी आते हो, मज़ा आता है जब एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई या दरिया और ड्राइविंग एडवेंचरसली। कब से रोड की तारीफ़ किए जा रहा हूँ कि रोड बहुत अच्छी है, लगता है मेरी बात को गलत वे में ले गए, ख़राब रोड स्टार्ट हो गई है, और ऐसी रोड देख के मेरे को हमेशा ही अपने लेह लद्दाख की ट्रिप वाली याद आ जाती है। टाइम हो रहा है दोपहर के 1:25, लगभग 10.5 घंटे हो गए मुझे ड्राइव करने के लिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आगे जाके कुछ स्नैक्स वगैरह खाते हैं। घूमना आपको भी पसंद होगा, हर एक को होता है, मुझे भी है, तो इसलिए मैं जितना ट्राई हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा घूमने की कोशिश करता हूँ, संडे भी कहीं आसपास टाइम पास कर लेता हूँ। मुझे भी पता है कि हम हर वक्त घूम नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हमें ट्राई करते रहना चाहिए कि टाइम निकाल सकें फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए या फ्रेंड्स के साथ, जो भी मतलब जैसे भी जिसका ठीक लगे। मैं हमेशा ही अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करता हूँ करिश्मा, तो हम दोनों हमेशा साथ ही होते हैं, लद्दाख भी मैं साथ ही गए थे हम दोनों, तो अच्छा लगता है साथ रह के ट्रैवल करना। आपके साथ पार्टनर होना चाहिए कोई भी, चाहे वो आपकी वाइफ है चाहे फ्रेंड है कोई भी हो, बस पार्टनर को साथ लो और घूमने निकल जाओ, बहुत कुछ है देखने के लिए दुनिया में। हम पहुंच चुके हैं टापरी, और ये टापरी को जंक्शन भी कहा जाता है क्योंकि टापरी से 8 किलोमीटर बाद रोड डिवाइड होती है, एक रोड जाती है स्पीति वैली को कल्पा रेकोंगपियो और दूसरी रोड जाती है सांगला चितकुल। ये है वो जंक्शन जहां से रोड डिवाइड हो रही है, सीधा जा रही है स्पीति वैली को कल्पा रेकोंगपियो, और यहां से राइट टर्न करेंगे हम सांगला चितकुल के लिए। सांगला यहां से 20 किलोमीटर है और अकॉर्डिंग टू मैप अभी हमें 45 मिनट और लगेंगे। यार लगता है या तो ज़्यादा रोड ख़राब होगी या कर्व ज़्यादा होंगे पहाड़ों में। स्टे करने की ऑप्शन दोनों जगह है, आप सांगला या चितकुल कहीं भी स्टे कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जहाँ मर्जी रुकें लेकिन अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपना होटल ज़रूर बुक करें। कई बार क्या होता है कि हम होटल बुक नहीं करते, सोचते हैं कि वहाँ जाके करेंगे और यहाँ आके होटल फुल मिलते हैं, या फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता है उनके अकॉर्डिंग, और मे बी महंगा भी मिल सकता है आपको होटल। छोटा एंड प्यारा सा मंदिर और कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे, अराउंड 1 घंटा और चितकुल पहुंचने में लगेगा हमें। फाइनली हम सांगला पहुंच गए हैं और चितकुल यहां से अराउंड 30 किलोमीटर है। पीछे कोल्डन पिया था तो अंकल जी ने बताया कि रास्ता ख़राब है तो 1.25 घंटा लग जाएगा, टाइम हो रहा है अभी 3:00, 4:00 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे हम चितकुल। थोड़ी सी थकावट तो हो गई है क्योंकि 12 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, 3:15 हो चुके हैं तो, बट चितकुल नज़दीक है तो उसकी एक्साइटमेंट में थकावट इतनी महसूस नहीं हो रही है अभी, तो बस यही है कि जल्द से जल्द पहुँच के मज़े लें करें थोड़े से। 80% रोड मुझे ठीक मिली है, 20% भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे कम ही है जो रोड ख़राब मिली हो। सोलन तक थोड़ी बहुत ख़राब थी लेकिन बाकी तो ठीक ही थी सारी रोड। रक्चाम पहुँच गए हैं हम, और ये अंकल के ड्राइविंग स्किल लेके के मेरे को लगता है कि अंकल चितकुल तक गाड़ी ऐसे बैक ही लेके जाएगा। चितकुल के नज़दीक सरकारी गेस्ट हाउस सिर्फ एक ही है जो कि रक्चाम में है, ये देखिए राइट साइड पे है पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस। सांगला के बाद 3-4 ऐसे फ्लाईओवर आते हैं और हर फ्लाईओवर के साइड पे एक बोर्ड लगा होता है कि ये जो जल बह रहा है, आप पानी भी कह सकते हैं जल, ये कैलाश पर्वत से आ रहा है तो इसका मिसयूज़ ना करें।
ये पी फाइनली रीच चितकुल, और छोटा सा आपको दिखा देता हूँ एक बार विलेज, ये है मेरी झुमकी वेलवेट। और इसके बाद हम जाएंगे नीचे, वहाँ पे मेरा टेंट बुक है बसपा के रिवर के किनारे, लेफ्ट साइड पे नीचे से चौथे नंबर वाला ग्रे कलर का टेंट है हमारा। और ये जो जगह है जहाँ हम रहेंगे, जो साइड पे रिवर है, ये बसपा रिवर है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। बाकी भी दिखाता हूँ आपको साइड पे, गाड़ी पार्किंग, ये गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ का, और ये जो रोड नीचे को जा रही है जहाँ से हम नीचे जाएंगे टेंट की ओर। और ये है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इधर राइट साइड पे स्टेयर्स हैं, वहाँ से नीचे जाते हैं हम ढाबे के, सब कुछ मिलता है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। इस वीडियो में बस इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, चितकुल का अभी पार्ट 2 भी आएगा। सो थैंक यू वंस अगेन।